नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बारुतिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव असुरन शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है।
पर भगवान में ही रहता है, फिर भगवान में लीन हो जाता है, फिर एक भगवान ही रह जाते हैं अकेले। जैसे वायु निमित्त से जल में तरंगें उठती हैं और जल में ही रहती हैं और फिर जल में लय हो जाती है, फिर एक जल रह जाता है। वायु न चले तो एक ही जल दिखाई पड़ता है, शांत बिल्कुल। जो वायु चल गई तो एक जल में अनेक तरंगें, फेन, बुलबुले दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जल को रस कहते हैं और तरंगों को रास कहते हैं। रस एक है, रास अनेक है। वायु से ये रास उठता है तरंगों का, तो एक भी जल ही है, अनेक भी जल ही है वायु निमित्त से, परंतु रास खेल होता है, खेल सत्य नहीं हुआ करता है। इसी प्रकार से जल में तरंगों की भांति माया रूपी पवन के निमित्त से, माया पवन है, भगवान की इच्छा शक्ति माया है, वही वायु है, वही पवन है, उस पवन, माया रूपी पवन के निमित्त से सच्चिदानंद सिंधु भगवान में ये नाम और रूप, ये तरंगें उठती। जगत क्या है? नाम और रूप, दो ही चीज का नाम ये जगत, और जगत में तीसरी चीज नहीं, नाम रूप। ये नाम रूप तरंगें उठती, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, विष्णु रूप धारे हुए कहते हैं ब्रह्मा जी से, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मई अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचया उत्पद्यंते बिलीयंते माया मारुत विभ्रमात। अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद सिंधु में, मैं शांत महासागर हूँ आनंद का, आप अकेला हूँ। प्रथम मुझ में मेरी इच्छा शक्ति प्रकट होती है, वो इच्छा शक्ति मेरी माया है, वो माया रूपी पवन मुझ आनंद सिंधु में जगत रूपी तरंग उठा देती और मुझ ही में रहती है ये जगत रूपी तरंग, फिर मुझ में लय हो जाती। इसलिए मैं रस रूप हूं, रसो वैसा, रस नाम जल का भी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश शब्द रूप है, वायु स्पर्श रूप है, अग्नि रूपवान है और जल रस है, पृथ्वी गंध है। अर्जुन, मैं रसो वैसा, निश्चय ही रस सिंधु, यहाँ रस का अर्थ है सुख सिंधु, आनंद सिंधु, आनंद को रस कहते हैं, सुख को रस कहते हैं।
ये रस सबसे ज्यादा मीठा है। सारे संसार को ये रस अच्छा लगता है क्योंकि सुख है ना, सब सुख के ही तो प्यासे, दुख तो किसी को चाहिए ही नहीं। ये अमृत रूपी रस है, माने इसकी मृत्यु भी नहीं होती। इस रस को जो पीता है वो अमर होता है। तो मुझे अनंत आनंद सागर में माया रूपी पवन के निमित्त से बहुधा विश्व बीचया, बहुत से बीच विश्व रूपी बीचियां माने लहरें उत्पद्यन्ते, उत्पन्न हो जाती, और मुझ में ही रहती, फिर मुझ में लीन हो जाती, फिर मैं आप अकेला ही रह जाता हूं। मैं एक हूं, मेरी माया रूपी पवन से होने वाला ये जगत अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। एक रूप तो मेरा सत्य है क्योंकि वो उत्पत्ति नाश से रहित, जैसे एक जल तो सत्य है, हमेशा एक ही, पर अनेकता जो होती है वो पवन के निमित्त से होती है। जल ही अनेक रूप में दिखाई पड़ता है और जल से भिन्न कुछ है नहीं। ऐसे ही मुझ आनंद सिंधु से भिन्न अर्जुन कुछ है ही नहीं। जितना भी ये जीव और जगत है ये सब मेरी लहरें हैं, पर मुझ में लहरें उठती हैं माया रूपी पवन से ही। इसलिए मैं एक सत्य हूं, माया रूपी पवन से प्रतीत होने वाले ये जगत रूपी तरंगें ये झूठी हैं, ये सत्य नहीं है। जो ये जगत में इन शरीरों में मोह ममता करेगा तो उसको तो रोना ही पड़ेगा। कोई तरंग से प्रेम करेगा तो तरंग तो रहेगी नहीं, क्योंकि जल से उत्पन्न भई है, पुनः उसमें जल में मिलना ही, ये तो खेल के लिए है, खेल है ये खेल, कोई भी सत्य नहीं हुआ करता है। रास माने खेल, खेल तो एक देखने की चीज है, और इस रास का दृष्टा भी मैं ही हूं। भगवान कहते मुझ में ही ये रास हो रहा है और मैं ही इसको देखता हूं। तो अपने रास को सत्य नहीं जानना चाहिए, अपने दृष्टा रूप को सत्य जानना चाहिए, अपने को जल रूप आनंद सिंधु रूप जानना चाहिए, और चराचर जगत को अपनी आत्मा की तरंगे जानना चाहिए। अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रविचंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धनेश गणेश, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, कच्छ मच्छ वामन वराह नृसिंह, ये सब मुझ आनंद सिंधु की लहरें। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र, मुझ आनंद सिंधु की ये सब लहरें हैं।
खेल है, ये खेल देखो अर्जुन, इनमें सतबुद्धि करके सुखरूप जान करके दुखी सुखी मत हो। ये सतरूप नहीं है, सुखरूप भी नहीं है, मैं ही सच्चिदानंद सिंधु हूं। खेल को खेल जानो, इनमें मोह ममता करके किसी लहर से किसी तरंग से प्रेम करके शोक मत करो। लहरें तो खाली खेल देखने की चीज है। भगवान राम भी जब गंगा के किनारे पहुंचे, अयोध्या से जब वनगमन के लिए चले तो गंगा के किनारे पहुंचे, तो गंगा के किनारे बैठ करके तरंगे देखते, लहरें देखते। गंगा तो शांत है पर जब वायु चलती है तो लहरें उठती हैं, उन लहरों को देखते। समुद्र के किनारे बहुत लोग जाते हैं तो समुद्र में भी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठती, तो लोग बैठ के देखने लगते हैं उन लहरों को। भगवान राम भी देखते हैं। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेक प्रकार की गंगा की कथा कहते, ये गंगा किस प्रकार से आई, मुझ विष्णु के चरणों से ये गंगा निकली हुई है। कथा सुनाते, ये त्रिलोकी को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये गंगा जी आई हुई है। जब मैंने वामन अवतार धारण किया था तब जब मैंने पैर बढ़ाया था, ऊपर पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया और नीचे बढ़ाया तो पाताल लोक तक चला गया। वामन ने ये बहुत विराट रूप धारण किया था, बहुत बड़ा रूप। तब ब्रह्मा जी ने मेरे चरण धो करके अपने कमंडलों में जल रख लिया। फिर भागीरथ की प्रार्थना से उन्होंने बड़ी तपस्या किया गंगा जी को इस पृथ्वी में लाने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने गंगा जी को आज्ञा दिया कि तुम इस पृथ्वी लोक को जाओ और वहाँ के लोगों को पवित्र करो। पर कहा, ये गंगा जी जाएगी वहाँ से ब्रह्मलोक से जब गिरेगी तो बड़ा वेग होगा, बड़ी तेजी से गिरेगी तो पृथ्वी फट जाएगी और ये पाताल में चली जाएगी, इसलिए इनको रोकने के लिए शंकर जी की आराधना करो। तो भागीरथ ने शंकर जी की आराधना किया। शंकर जी प्रसन्न हुए तो उनसे बताया कि गंगा जी को आप रोको नहीं तो ये पाताल में चली जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जटाओं में रोका। इस प्रकार से कैलाश में शंकर जी रहते, ये हिमालय के ऊपर आगे कैलाश। फिर गंगा जी को इस धरती में छोड़ा। अब ये गंगा जी यहाँ से चलते हुए समुद्र तक जा रही है, गंगा सागर। ये गंगा सागर में मिलती है जाके। सबको पवित्र करती है ये गंगा जी। और जो गंगा स्नान करता है और जल पान करता है तो अनेक जन्मों के मन में जो पाप हैं उनको भी गंगा जी धो देती।
तन का मल तो छुटाती ही है, लेकिन मन में भी जो पाप रूपी मल है उसको भी नष्ट कर देती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयाति योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगा कहता हुआ यदि हजारों कोस के दूर में भी हो तो गंगा इस नाम से ही उसके सारे पापों को नष्ट करके और निर्मल बना करके विष्णु लोक को भेज देती है। विष्णु भगवान तो जगत के पिता हैं और ये भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो विष्णु का ही अवतार है। ये जगत पिता गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव चम। अर्जुन इस जगत का माता पिता मैं हूं और धाता भी मैं ही हूं और पितामह भी मैं ही हूं और मेरी प्राप्ति का साधन सर्वश्रेष्ठ ओंकार मेरा नाम है, तो वो साधन भी मैं ही हूं ओंकार, और ओंकार का विस्तार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वो भी मैं ही हूं। ये मेरी जानने के साधन वो भी मैं ही हूं। सज्जनों, ये गंगा जी माता है, अपने ये सब पुत्र है, सब पुत्रों के मन के मैल को धो करके और हमारे पिता विष्णु लोक को ये भेजती है। परम पवित्र हैं, इनके तट पर बैठ करके जो भगवान की आराधना करता है उसकी आराधना शीघ्र ही सफल होती। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती। सज्जनों, गंगा जी सत्य हैं, पर गंगा जी में जो तरंगें उठती हैं वो वायु के कारण उठती हैं, सो सत्य नहीं है। यदि तरंगें सत्य होती तो हम आप तरंगें पकड़ते हैं तो गंगा जल ही हाथ आता है, तरंग नाम की कोई अलग से चीज तो मिलती नहीं। यदि गंगा जी से जल से कोई तरंग नाम की वस्तु भी होती सत्य होती तो जब हम पकड़ते हैं लहरों को बुलबुलों को तो उनको हाथ में आना चाहिए, बस पकड़ते तरंग है आता जल, इससे पक्का ज्ञान होता है कि तरंग सत्य नहीं। इसी प्रकार से सज्जनों, ये संसार तरंगों के समान है, ये सत्य नहीं। आज तक कोई इन तरंगों को, इन स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी को पकड़ न सका, अपने ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को कोई पकड़ न सका, ये भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में लय हो जाते हैं। पकड़ में आएंगे तो सत्य भगवान ही आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। दूसरी श्रुति भी इसी प्रकार से कहती है, आनंदाद्भेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशंति तद ब्रह्म। सच्चिदानंद सिंधु भगवान से ये संसार रूपी तरंगें उत्पन्न होती
आनंद सिंधु में रहती, पुनः आनंद सिंधु में लीन हो जाती। इसलिए आनंद सच्चिदानंद सिंधु भगवान सत्य हैं, परंतु तरंगें भी जल में, तरंगें भी भगवान में मिलकर तो सत्य ही हो जाएंगी, अलग से झूठी हैं, पर भगवान में मिलकर के तो सत्य ही हैं। विचार करके यदि देखो तो तरंगें जल से मिली ही हुई हुआ करती हैं, अलग होती ही नहीं है। कोई भी तरंग क्या जल से अलग हो सकती है? और यदि कोई तरंग अपने को जल से अलग जाने तो भ्रम जानना चाहिए, अज्ञानता समझनी चाहिए। कथा है, जल ही माही तरंग एक रटे प्यास प्यास, जो तरंग जल से उत्पन्न हुई है जल में ही चलती फिरती है, वो तरंग कहती है मुझे जल की प्यास से कोई जल का दर्शन कराओ, तो सिवाय अज्ञानता के भ्रम के और क्या हो सकता है? अरे भाई, जल से तरंग का वियोग हुआ ही कहाँ है? जो तरंग को कोई किसी प्रकार का योग करना पड़ा, योग नाम मिलने का है, तो वियोग हो तब योग माने मिलना बनता है। देखो, विचार करो, जब तरंगों का जन्म हुआ तब तो जल साथ ही है। जीवन जितनी देर तरंग चलती है जल में तो जल साथ ही रहता है, और जब लय होती है तो जल में ही लय होती है, तो भी जल साथ ही है। कब वियोग हुआ उसका? कभी वियोग हुआ ही नहीं है। ऐसे ही सच्चिदानंद सिंधु भगवान का इन जीव और जगत रूपी तरंगों से कभी वियोग होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान से ही ये तरंगें उत्पन्न होती हैं सत, और भगवान में रहती हैं और भगवान में ही लय होती हैं, तो वियोग कहाँ हुआ? सच्चे साथी यदि कोई है इस संसार में, इस जीव के, तो भगवान ही। सच्चा साथी वो है जो जन्म में साथ रहे और जीवन भर साथ रहे और मृत्यु में भी साथ रहे, वही सच्चा साथी हो सकता है। तो ऐसे भगवान है और कोई नहीं है, भगवान ही है। प्राण प्राण के, जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, भगवान प्राणों के प्राण, जीवों के जीवन तत्व, स्वार्थ रहित सबके सखा है, माने साथी हैं। सदा भगवान साथ हैं इस जीव के। जीव और जगत तो तरंग रूप, भ्रम से ही ये जीव कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन की प्यास है, मुझे कोई भगवान का दर्शन कराओ, भगवान को मिलाओ। अज्ञानता बस ऐसे ये सब जीव कह रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, परंतु विचार करके देखो, ये जीव और जगत जब भगवान रूपी आनंद सिंधु के तरंगे हैं तो वियोग हुआ ही कहां है? जो इसको कोई योग बताया जाए, केवल अज्ञान की निवृत्ति ही कर्तव्य है। जैसे तरंग को अज्ञान की निवृत्ति ही कर्तव्य थी,
इसलिए अज्ञान बस ही ये जीव कहता है हमको कोई भगवान का दर्शन कराओ। जब कोई महापुरुष मिलते हैं तब इसको इसके माता पिता जल तत्व को बताते हैं, आनंद सिंधु को बताते हैं। जब तरंग रट रही थी मुझे जल की प्यास है, तो कोई महापुरुष ने सुना कि अरे तरंग तुझे जल की प्यास है तो जल का दर्शन करना चाहती है। बोले हाँ, तो बोले तू अपने भीतर देख, भीतर देख, बाहर देख, दाएं बाएं देख, ऊपर नीचे देख, तुझे जल ही का दर्शन होगा। जब उसने महापुरुष के कहने से अपने भीतर बाहर देखा तो जल ही जल पाया। तब महापुरुष ने कहा, अरे तरंग बता, तुझे जल का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या कहती है तरंग, नाहम तरंगः सलिलमहम्, मैं तरंग नहीं हूं, तुम्हारी कृपा से मैंने अपने भीतर बाहर देखा, परंतु तरंग नाम की कोई चीज मिली नहीं मुझको। मेरे भीतर शीतलता मधुरता द्रवता रूप जल ही मिला, तरंग नाम की कोई चीज नहीं मिली है, मेरी अज्ञानता ही थी जो अपने से जुदा मैं जल को जानती थी। जल ने तो मेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं, मेरा जन्म हुआ तो जल साथ, जीवन रहा जितनी देर में चलती रही तब जल साथ, और मेरी मृत्यु हुई तो जल में हुई, तो जल साथ ही है। तो एक क्षण का भी मेरा उस जल का वियोग नहीं हुआ, इसलिए मैं जल रूप ही। तैसे ही ये जीवों को जब ऐसा भ्रम ऐसी अज्ञानता होती है कि मेरा भगवान से वियोग हो गया है, इसी प्रेम में पागल होकर के चिल्लाते फिरते हैं हमको कोई भगवान का दर्शन कराओ, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ऐसी व्याकुलता बढ़ती, तब कोई महापुरुष अवश्य इसकी पुकार सुनते हैं। कोई ज्ञानी गुरुजन संत महात्मा जन इन भक्तों की पुकारें सुन करके और कहते हैं, तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ। तब भगवान यही उपदेश देते हैं, यतो इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अविसंविशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे ये जगत रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं और जिसमें रहती हैं और जिसमें लय हो जाती हैं, वही सच्चिदानंद सिंधु ब्रह्म है। तो तुम सब तरंगें हो, देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, ये सब तरंगें हैं। तो तुम्हारा तो वो सच्चिदानंद सिंधु भगवान से वियोग हुआ ही कहाँ है? तुम भगवान से उत्पन्न भए, भगवान में ही रहते हो, भगवान में ही चलना फिरना है तरंगों की भांति, अंत में भगवान में ही मिलना है। तो भगवान से तुम्हारा वियोग एक क्षण के लिए भी हुआ ही नहीं है। योग नाम मिलने का योग तो तब किया जाता है जब वियोग होए। भक्त और भगवान अलग अलग हों तो योग करे कोई। तो कहो, भगवान के पाने के लिए कौन सा योग किया जाए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग किया जाए, अथवा लय योग किया जाए, या मंत्र योग किया जाए,
या भक्ति योग किया जाए या कर्म योग किया जाए, भगवान को पाने के लिए कोई कर्म किए जाएं, क्या किया जाए? भगवान कहते हैं, अरे जीवो, जब मेरा और तुम्हारा वियोग हुआ ही नहीं है, मुझसे तुम उत्पन्न भयो, मुझ में रहते हो, मुझ में ही लय होते हो, तो मैं तो तुम्हारे सदा ही साथ हूँ, सच्चा सखा हूँ तुम्हारा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का सच्चा हितैषी मैं सुहृद हूँ, सखा हूँ, कभी साथ मेरा छूटा ही नहीं है यह जगत रूपी तरंगों से। तो कौन सी योग की जरूरत है? तो महापुरुष बता देते हैं कि अरे जीवो, अरे जगत, अरे मन बुद्धि प्राणो, तुम्हारा तुम तरंगे हो, भगवान आनंद सिंधु हैं, तुम्हारा कभी भगवान से भी योग नहीं हुआ है। वही रूप भगवान से अलग हुए ही नहीं हो तुम, भगवान से अलग होकर रहोगे कहाँ? जैसे जल से अलग होकर तरंगें रहेंगी कहाँ आकर? पृथ्वी में नहीं रह सकती, जल से निकलकर पृथ्वी में नहीं रह सकती, जल में ही रहेंगी। ऐसे ही भगवान से अलग होकर के ये जीव जगत नहीं रह सकते, आनंद सिंधु भगवान में ही रहना पड़ेगा, भगवान में ही लय होना पड़ेगा। ये सब नाम रूप सज्जनों तरंगे और अस्थि भांति प्रिय रूप सचेत आनंद रूप भगवान, इनके सब के कारण, कारण होता है वही माता पिता होता है, कारण एक ही हुआ करता है, कार्य अनेक होते हैं, जैसे माटी एक है सो कारण है, और जो घट और मठ मकान महल बनते हैं वो अनेक हैं, तो कारण एक है, कार्य अनेक है, परंतु माटी से भिन्न कार्य नहीं है, घट मठ से अलग नहीं है, घट मठ माटी से उत्पन्न होते हैं और माटी में ही ये घट मठ मठ मंदिर रहते हैं, अंत में फिर माटी में मिल जाते हैं। तो माटी से घट मठों का वियोग कब हुआ, अलगाव कब हुआ? अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रविष्णु, माया निमित्त से भगवान ही अनेक रूप से भास रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं ही एक भी और अनेक भी हूं। अर्जुन, आनंद सच्चिदानंद सिंधु रूप से मैं एक ही हूं और माया रूपी पवन से मैं ही अनेक रूप हूं, मैंने जगत रूपी तरंग रूप भी मैं ही हूं, मुझसे ही जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। इसलिए मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मै सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। जैसे सूत की मणियों में सूत ओत प्रोत है, पोहा हुआ, ऐसे ही ये अलग अलग जो मणियां दिखाई पड़ते हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी, उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप सूत्र मैं ही पिरोया हुआ, सब में समाया हुआ, मुझसे भी जैसे सूत की ही मणि हो और सूत ही धागा हो, सूत में गांठें बांधते जाओ तो मणि बनती जाए, गुड़िया बनती जाए, वो एक ही सूत में माला बना दो, 108 गुड़िया बना दो, और जब खोलो तो सूत ही सूत। इसी प्रकार से विचार कर देखोगे तो ये सब मणियां हैं,
सूत्र रूप में ही, दूसरा कोई भी नहीं। घटमट के नाश करने की जरूरत नहीं है, नाश बिना भी जाना जा सकता है कि ये सब घटमट माटी रूप है, माटी से जुदा नहीं है। ऐसा नहीं कि घटमट को जब नाश कर दे, डंडे से फोड़ दे, नष्ट कर दे, तभी ये ज्ञान हो कि ये माटी है। घटमट रहते हुए भी विवेक दृष्टि से यही जाना जा सकता है कि नहीं, घट माटी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए माटी रूप पानी भरने का काम देता है, ये व्यवहार होता है। इसलिए घटमट के रहते हुए ही माटी का ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही ये संसार जगत, हमारे देह इंद्री मन बुद्धि प्राण रहते हुए भी सच्चिदानंद सिंधु भगवान का ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनको नाश करके ही भगवान का ज्ञान किया जाए। केवल जगत रूपी तरंगों में अस्थि भाति प्रिय भगवान को ही देखना है। अस्थि भाति प्रिय का अर्थ होता है सच्चिदानंद। हर नाम रूप तरंगों में अस्थि भाति प्रिय आपको मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं। तो नाम रूप तो मिथ्या है, तरंग रूप है, पर अस्थि भाति प्रिय जो ये जल रूप, देखो ऐसा विचार करो, जैसे घट है तो घट में अस्थि भाति प्रिय भगवान समाये हुए हैं। घट का जब सिद्धि करोगे आप तो यही करोगे, घट है ऐसा कहना पड़ेगा, ये घट है इदम रूप से, ये घट है। तो यह घट है, तो ये है नाम का तत्व तो अस्थि कहलाता है, सत कहलाता है। घटो भाति, घट भासता है, ये ज्ञान कहलाता है। घट प्रिया और घट प्रिय है, ये प्रिय नाम आनंद का है। घट में अस्थि भाति प्रिय ये भगवान समाये हुए हैं, दो नाम का अक्षर घट इन नाम में समाये। तो घटमठ ये तो तरंगे हैं, तरंग तो सदा नहीं रहेगी, अस्थि भाति प्रिय भगवान रहेंगे सदा। घट तो थोड़ी देर में नष्ट हो करके इस पृथ्वी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, पर अस्थि भाति प्रिय का नाश नहीं होगा। वो परमात्मा है, वही हमारा आपका आत्मा है। तब पृथ्वी है, पृथ्वी भासती है, पृथ्वी प्रिय रूप है, क्योंकि सब इसमें चलते फिरते रहते, सोते जागते हैं, पृथ्वी का दिया हुआ अन्न खाते हैं। तो ये जो अस्थि भाति प्रिय है कि पृथ्वी है, ये अस्थि है, पृथ्वी भासती है, ये ज्ञान है, और पृथ्वी प्रिय है, ये आनंद है, ये हमारे तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है। हम आप पृथ्वी में समाये है, पृथ्वी तरंग है, अस्थि भाति प्रियाम है, पर ये तरंग तो नहीं रहती, फिर तरंग लय होती है। तरंग कहाँ लय होगी, पृथ्वी जल में लय होगी। तो जलम अस्थि, जलम भाति, जलम प्रिया। अब जल में हमारा आपका अस्थि भाति प्रिय रूप समाया हुआ है, फिर जल रूप भी तरंग लय हो जाएगी अग्नि तत्व में। तो अग्नि है, अग्नि भासती है, अग्नि प्रिय, उसमें हम आप समाये भय। तरंगों का नाश होता जा रहा है, एक अंतिम कारण रह जाएगा, वो हमारा आपका स्वरूप। अग्नि की उत्पत्ति होती है वायु से, तो अग्नि का नाश हो गया तो वायु रह जाएगी, अपने कारण में लीन हो जाएगी,
तो वायु है, वायु भासता है, वायु प्री है, तो ये अस्थि भाति प्री वायु में हमारा आपका स्वरूप समाया हुआ। वायु की उत्पत्ति होती है आकाश से, तो अग्नि का नाम रूप तो खत्म हो गया, ये नाम रूप खत्म होते जा रहे हैं। अस्थि भाति प्री ये जल के समान आत्मा रहा जाता है, सब में समाया हुआ। तो वायु लय हो जाएगी आकाश में, तब आकाश है, आकाश भासता है और आकाश प्रिय है, क्योंकि सबको रहने के लिए अवकाश देता है, प्रिय है। इस प्रकार से आकाश में हमारा तुम्हारा आत्मा रूपी जल समाया हुआ है। फिर आकाश की उत्पत्ति होती हमारी तुम्हारी आत्मा से, तस्माद् वायो तस्माद् आत्मन आकाशसंभूता, आकाशाद् वायो वायो अग्निः अग्ने आपाद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् रेता रेता पुरुषा सवै पुरुषो नरस्मय। ऐसे ये वो उत्पन्न भय हैं, लहरों की लहरें हैं। फिर ये आकाश रूपी लहर हमारे तुम्हारे आनंद सिंधु में समा जाती है। नाम रूप खत्म भय, अब हम ही रह गए सचेत आनंद सिंधु, यही जल रूप आनंद सिंधु है। इसी से ये सब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र उत्पन्न भय, इसी क्रम से ऐसे समा गए। तो ये भगवान की इच्छा रूपी माया रूपी पवन से ये खेल होता रहता है, इसलिए सज्जनों इसको खेल ही जानना चाहिए। संसार को दृष्टा बन के ये भगवान का खेल देखो, पर ये खेल भी भगवान में अंत में लय हो जाता है, इसलिए सत्य नहीं, भगवान ही सत्य। सो भगवान हमारी तुम्हारी आत्मा, सभी तरंगों की आत्मा जल ही। अहम आत्मा गुणा के स सर्वभूता सहस्थिता, अहम आदिश्च और मध्यम च भूता नाम अंत। अर्जुन मैं ही सबकी आत्मा हूं, मैं ही आज में हूं, मैं ही अंत में हूं, मैं ही मध्य में हूं, चाहे तरंग रूप में हूं और चाहे सच्चिदानंद सिंधु के रूप में हूं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। तरंग रूप में मैं असत हूं और जल रूप में आनंद सिंधु रूप में सत। श्री अमृतम चर मृत्यु चर सब सच्चा अर्जुन, मैं ही अमृत रूप हूँ, जो नमृत न मरे वो अमृत कहते, और मैं ही ये जगत रूपी तरंग रूप हूँ, इनकी मृत्यु होती मुझसे ही तो उत्पत्ति होती है, मुझ में ही मृत्यु होती है। इसलिए अमृत रूप भी मैं ही हूँ और मृत्यु रूप भी मैं ही हूँ, सतरूप मैं ही हूँ असतरूप भी मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। छाया रूप भी मैं ही हूँ, पुरुष रूप भी मैं ही हूँ। पुरुष रूप मेरा सत्य है और ये छाया रूप ये भी तो मेरा ही रूप है, पर ये असतरूप है। दृश्य रूप भी मैं ही हूँ, दृष्टा रूप भी मैं हूँ। छाया रूप से मैं दृश्य हूं क्योंकि छाया मेरी मुझको दिखाई पड़ती और मैं देखता हूं, तो दृष्टा रूप भी मैं ही हूं, दृश्य ही रूप भी मैं। तो सत असत दृष्टा दृश्य सब मैं ही हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।